सो हेलो गाइस, डीसी जीएसएम टूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैकेनिक के पीसीबी होल्डर के बारे में, क्या है इसके बेनिफिट और क्यों आपको ये परचेज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इस चैनल पे आपको सारे ही बॉक्स डोंगल्स जो भी टूल्स हैं रिपेयरिंग फील्ड में उनका जो है रिव्यूज़ मिलेंगे और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। जो भी बात उसकी रियलिटी होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएगी। तो मार्केट में आमतौर पर आपको इस तरीके का पीसीबी होल्डर मिल जाएगा, लेकिन ये पीसीबी होल्डर कुछ काम का होता नहीं है। यहाँ पे जो है ये बहुत जल्दी यहाँ से उखड़ जाता है। और दूसरी बात ये है, आपको यहाँ पे स्क्रू कस के और जब इसको आप पीछे प्रेस करेंगे तब जाके यहाँ पीसीबी लगाएंगे तो आगे को ये जो है पीसीबी के बार होती है, ये देखिए यहाँ पे जगह ज़्यादा रहती है तो पीसीबी डैमेज होने का बहुत खतरा रहता है, ठीक है। तो ये इसमें वेट भी दोस्तों इसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो चलिए इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होती नहीं है, तो वहाँ पे आप उसके जो कीमत का अनुमान है वो कहते हैं भैया बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वो जो चीज़ महंगी है दोस्तों उसके बेनिफिट भी कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है। और तो अगर आप कोई भी डोंगल बॉक्स या फिर कोई भी टूल्स या फिर या मैकेनिक का ये भी जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ या और भी जो रिपेयरिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके इजीली अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिक का पीसीबी होल्डर है इसका मॉडल है MR6, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको बहुत आसानी रहेगी इसको परचेज करने के लिए। आप चाहे जहाँ से भी परचेज करें, हमारे यहाँ से करना चाहें, हमारे यहाँ से जहाँ से आपको रेट ठीक मिले वहाँ से आप जो है इजीली ले सकते हैं। रेट का मतलब ये है कि रेट ठीक मिलना चाहिए और प्रोडक्ट जो है जेन्युइन होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, ठीक है। इसमें दोस्तों वेट भी इससे लगभग इसमें वेट होता है, ठीक है। तो आपकी पीसीबी इधर उधर हिलेगी नहीं और ये बिल्कुल पीसीबी को होल्ड करके रखेगा। यहाँ देख रहे होंगे आप ये मॉडल जो लिखे हुए हैं, इन मॉडल को ऊपर मत जाइए। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आप जो है आईसी को फंसा के यहाँ पे आईसी रखे और उस आईसी को जो है क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इधर भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके के खाने। तो यहाँ पे आईसी को बेसिकली ईएमएमसी को ईएमएमसी और सीपीयू यहाँ आराम से रख जाएगा तो उसको जो है आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी ईएमएमसी पेस्टेड होती है तो दोस्तों यहाँ पे आप इजिली देखिए इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ईएमएमसी को फंसाने के बाद आप उसका ब्लैक पेस्ट वगैरह जो है क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर होता क्या है कि ब्लैक पेस्ट होता है तो वहाँ पे वो क्लीन नहीं हो पाता, चिमटी से पकड़ के एक बंदे को उसको पकड़ना पड़ता है, दूसरे बंदे को आयरन से उसको डिसोल्डर वायर को घिसना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ईएमएमसी आप फंसाइए और ईजिली आप अकेले जो है इसमें काम कर सकते हैं। क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। पीछे यहाँ पे आपको स्टील मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मेटल है और इसका वेट भी बहुत अच्छा खासा है। अब इसका और एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे आपके पास दो पीसीबी हैं, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे उस तरीके से इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम ही बोर्ड आपके पास है तो आप एक बोर्ड यहाँ पे लगा के उसकी जो है ट्रेसिंग बहुत ईजिली जो है यहाँ से कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे चेक करना है फिर दूसरी जगह जाना है, ठीक है। आप आराम से उसकी आईसी उठा के इसमें लगा सकते हैं। बार बार आपको जो है पीसीबी होल्डर से पीसीबी को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कई बार होता है क्या है कि इसमें कई बार बड़ा बोर्ड होता है, ठीक है, मान लीजिए ये जियो का बहुत बोर्ड चौड़ा होता है तो यहाँ पे ये बोर्ड नहीं आ पाएगा। मैं जो सारी चीज़ें वो बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आई होप आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा। तो यहाँ पे अगर आपका पीसीबी बोर्ड नहीं आ पा रहा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड चौड़ा आप लगा सकते हैं, देखिए अब ये बोर्ड बहुत इजीली यहाँ बीच में भी लग गया है, ठीक है। आप आईसी उतारिए, यहाँ पे रखिए, आईसी को क्लीन करिए, आईसी दोबारा यहाँ पे लगा लीजिए। बहुत ही दोस्तों अच्छी चीज है ये। और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक टेक्नीशियन के पास इस तरीके का पीसीबी होल्डर होना चाहिए, इस तरीके से मतलब यही मैकेनिक का पीसीबी होल्डर होना चाहिए। दोस्तों आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाया हूँ इसके बारे में। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी डोंगल बॉक्स का एक्टिवेशन वगैरह करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जाके ऑर्डर प्लेस करिए। और अगर कोई भी टूल परचेज करना है तो भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, जाके ऑर्डर प्लेस करिए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। वीडियो को
लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपको एक टूल के बारे में समझाने की, तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई आपका खर्चा नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।